हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर फिजिक्स का एक टॉपिक है जी, इसका नाम है जी पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या? ये वैसे तो टॉपिक नंबर 12.9 जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसके आगे इसका सब टॉपिक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ 12.9.1। ठीक है जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट पूरा नाम है, लेकिन हम इसको कहते हैं जी पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये होता क्या, इसको ज़रा देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास ना चेंज होता है एक टर्म चेंज। ये चेंज ना दो किस्म से हो सकता है जो कि अभी तक हमें पता है, एक विद रिस्पेक्ट टू टाइम और एक विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से चीज में चेंज आना, वो क्या कहलाता है, उसका ग्रेडियंट। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि इसको एक और नाम भी दिया जाता है रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप का ना सोचो, इसके रिलेशनशिप का सोचो, रिलेशनशिप बिटवीन किसके दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी, ये हमने देखना है, या पोटेंशियल डिफरेंस कह लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के दरमियान में, उसने कहा सर ये चाहिए क्यों, ये तो बताएं, ये इसका मकसद क्या है इधर आने का। देखो, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको इधर बताता हूँ। ये मेरे पास है जी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज ये फील्ड की लाइन होगी आउटवर्ड। आपने कहा सर पता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में पढ़ा था। वो टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो टॉपिक भी आप उधर से ऊपर पिन किया, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये फील्ड है। उसने कहा जी सर। उसने कहा सर ये फील्ड इसकी इस तरफ है, तो जो इसकी डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और जो यहाँ पर इसका डिस्टेंस बनेगा, जैसे कि पॉइंट ये ए है, तो इस पॉइंट पे इधर आते तक जो आर डिस्टेंस है, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ई बराबर होता है 1/4 πε0 3 आर स्क्वायर। उसने कहा सर वो फार्मूले में भी पढ़ा था, और अगर वेक्टर फॉर्म में आते तो इसको आप यूनिट वेक्टर की शक्ल में लिख लेंगे। मैंने कहा हाँ। उसने कहा सर ये पॉइंट बी है। मैंने कहा हाँ भाई। उसने कहा सर पॉइंट बी पे आप बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी या कम होगी। मैंने कहा ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि आर बढ़ जाएगा और ई कम हो जाएगा। ये तो होगी ई की बात, लेकिन अब ई के अलावा हम पॉइंट ए और पॉइंट बी में पोटेंशियल की बात कर लें। सर मुझे बताएं कि मैं इस चार्ज को, ये चार्ज है, ओ वाह चार्ज अपना वही वाला पकड़ के लाओ यार, वो क्या नाम था इसका, क्यू नॉट नाम रखा था मैंने इसका, टेस्ट चार्ज, छुटकू चार्ज जो है अपना, ये छुटकू चार्ज, इसको पकड़ के लाओ, और ये आपको पता है ये होता है पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मुझे बताओ कि लेट्स सपोज यहाँ पर इन्फिनिटी है, उसके लिए क्या है इन्फिनिटी, इसके लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए, यहाँ से बाहर उसकी फील्ड नहीं है, तो मुझे बताओ कि इसको इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर पकड़ के लेके जाऊं तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी या ए पर। उसने कहा सर देखें ये इसे रिपेल कर रहा है, मैं इसे इधर लेके जा रहा हूँ, जब ये इसे रिपेल करेगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, जो मैं वर्क करूँगा किसी चीज़ पर वो उसके अंदर चेंज एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पर उस एनर्जी का नाम रखा था हमने पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मैं ए पर लाया तो आपने कहा सर इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये कम स्पीड से रहेगा, लेकिन जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये बड़ी ज़्यादा स्पीड से, इसका मतलब है कि इसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर हुई। अब ए पर भी पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और है और बी पर भी पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, इसको हम दे देते हैं हम वी ए, और इस जगह पर भी पोटेंशियल है, लेकिन वी ए पर पोटेंशियल ज़्यादा है और वी बी पर पोटेंशियल कम है। अब अगर बी से ए लाना हो तो जितना भी काम होगा पर यूनिट चार्ज वो इसका पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस किसके बराबर था, वर्क ए बी इंटू पर यूनिट चार्ज क्यू नोट। याद आया पोटेंशियल का टॉपिक, वो भी पिन कर रहा हूँ, वो भी देख सकते हो, फिर देख लेना इस टॉपिक को। अच्छा, ये हमने वहाँ पर निकाला था। उसने कहा सर इन जगह पर पोटेंशियल है, मैंने कहा है। उसने कहा सर इन जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट ए और बी पोटेंशियल भी रख रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर एक जगह पर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज यहां पर क्या थी, ये ज्यादा थी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इंटेंसिटी यहां पर ज्यादा थी, यहां पर पोटेंशियल भी क्या था, ज्यादा था। लेकिन अगर आपने ये देखना है कि इस जगह के ऊपर पोटेंशियल और ये दोनों ही है,
तो दोनों का आपस में कुछ ना कुछ यहाँ पर ताल्लुक वास्ता भी होगा। उस ताल्लुक वास्ते को हम बोल देंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि बुक ने एक टॉपिक लिख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब आ जाए इधर। अब ये बता क्या रहे हैं, ये बता क्या रहे हैं। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सी देता हूँ। मेरे पास है जी दो रबड़, रबड़ बैंड आपने देखे होंगे, एक रबड़ बैंड ये रहा इतनी लेंथ का और एक और है ये रबड़ बैंड, ठीक है, ये इतनी लेंथ के दो रबड़ बैंड है, लेकिन क्वालिटी डिफरेंट है दोनों की। ये वो रबड़ बैंड है जो अक्सर वो जो आपके कैश होता है उसके ऊपर आप लगा देते हो ऐसे करके, या जो फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है ये वो है, ये वो है रबड़, वो जो टायर को काट के नहीं बनाया जाता, टायर की ट्यूब्स को ऐसे गोल गोल काट दो तो वो वाला रबड़ है। अब मेरे पास ये रबड़ इधर है इस जगह, और मैंने अपने दोस्त के ऐसे खिंचा के पीछे मारना है। अब मुझे बताओ इस रबड़ को पकड़ के मैं खींच के मारूंगा, यानी कि ये फ्लेक्सिबल है, हाय ये है फ्लेक्सिबल और ये है लेस फ्लेक्सिबल, ठीक है, यानी कि इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है और इसकी कम है। अब मुझे बताओ इसको पकड़ के मैं इधर से इधर लाकर मारूंगा और दूसरे को इधर से लाकर इधर मारूंगा, कौन ज़्यादा ज़ोर से लगेगा? आपको सर ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा ज़ोर से लगेगा, क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस के लिहाज से मैंने इतने से डिस्टेंस को चेंज किया, यानी कि यहाँ तक था इसको पकड़ मैं इधर लाऊं, तो इतना सा डिस्टेंस चेंज किया इसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर हो गई और ये बड़ी ज़ोर से जाके लगेगा। लेकिन वो कहता है सर ये फ्लेक्सिबिलिटी कम है, डिस्टेंस उतना ही चेंज किया, यहाँ से पकड़ के मैं इधर लाऊं, यानी कि ये इस जगह पर थे, मैं इन्हें पकड़ कर हल्का से इधर लेके गया, इसको पकड़ के इधर लेके आऊँ, ठीक है, इन दोनों को। तो मुझे बताना है कि किसमें ज़्यादा एनर्जी, आपको सर ये ज़ोर से लगेगा ये कम ज़ोर से लगेगा, इसका मतलब है कि फील्ड के लिहाज से कितना पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोरेज का जो फैक्टर है वो ज़्यादा है या कम है, वो भी क्या कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर ये नहीं समझ आया तो ये देख लें, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और एक और ये स्प्रिंग है, ठीक है। अब हुआ कुछ यूँ कि मैंने इस सॉरी ये ऊपर लगाते हैं हम इस जगह, इसको बांध देते हैं दोनों स्प्रिंग को। अब हुआ कुछ यूँ कि एक स्प्रिंग ज़रा जो है वो सॉफ्ट है और एक हार्ड है। अब हुआ कुछ यूँ कि मैंने इसके साथ एक मैस बांध दिया और इसके साथ, इन दोनों मैसेज को पकड़ के यहाँ पर ला के छोड़ा, तो दोनों के अंदर ऑसिलेशन शुरू हो गई। अब मुझे बताओ ज़्यादा ऑसिलेशन अच्छी कौन करेगा? आपको सर ओबियसली ये वाला स्प्रिंग ज़्यादा अच्छी ऑसिलेशन करेगा और ये कम अच्छी ऑसिलेशन करेगा। मैंने कहा वो क्यों करेंगे तो दोनों ही, लेकिन क्यों? उसने कहा सर ये डिस्टेंस के लिहाज से जब आप इन्हें पकड़ के इनकी मेन पोजिशन से यहाँ पर लाए तो आपने जो इसमें डिस्टेंस का चेंज किया और जो इसमें डिस्टेंस का चेंज किया वो तो सेम किया, लेकिन इसके पोटेंशियल एनर्जी के स्टोरेज का फैक्टर इसकी फील्ड के लिहाज से क्या है कम है और इसकी फील्ड के लिहाज से क्या है ज़्यादा, तो इसके अंदर पोटेंशियल का जो स्टोरेज लेवल है वो ज़्यादा, इसलिए ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके ओसिलेट बड़ा अच्छा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये फैक्टर ज़्यादा है डिस्टेंस के लिहाज से, फील्ड में जब आप चेंज करोगे तो जो एनर्जी स्टोरेज फैक्टर है वो क्या लाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ आ रही बात की? अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ, ठीक है। तो बुक ने हमें क्या कहा है, बुक कहती है कि आपने जो रिलेशन ड्राइव करना है इसको ज़रा देखते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि ये मेरे पास ये हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं, ये पॉजिटिव है जी, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये एक और कैपेसिटर है, दोनों का साइज सेम है, ठीक है, बट इसमें आप चार्जेस देखें तो उसमें मैंने पांच है, बल्कि इधर छह कर देते हैं और कर देते हैं चार्जेस, इधर चार्जेस जो हैं वो आपके पास चार है। अब आपने बताना कि इसमें फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपको ऑब्वियसली सर इसमें फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगी और इसमें वीक बनेगी। अच्छा, इसमें एक और कन्फ्यूजन है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हमारे इधर ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूनिफॉर्म फील्ड के लिहाज से, नॉन यूनिफॉर्म के लिहाज से, लेकिन वो चूंकि हम इधर सिलेबस में नहीं है तो उसे नहीं देखेंगे, तो आपको सर इसके अंदर ये फील्ड लाइन्स बन रही है, ऐसे ही बनेंगी इसके अंदर, ऐसे बनेंगी लेकिन कम बनेंगी। दोनों का साइज सेम है, इसका साइज है जी यहाँ से डी और इसका साइज है यहाँ से यहाँ तक डी, यानी कि दोनों का साइज क्या है सेम। लेकिन अब आपने चेक क्या करना है, आपने ये देखना है कि आप कौन से वाले के अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हो। उसने कहा सर कौन से वाले का क्या मतलब है? मैंने कहा उसका मतलब ये है कि देखो ये नेगेटिव चार्ज पड़ा है, यानी कि नेगेटिव प्लेट पड़ी है और इसके ऊपर एग्जैक्टली आपका इधर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। मैंने कहा तो इसके अंदर आप बताओ सर जो जो क्या कहते हैं एनर्जी जो है कितनी स्टोर है? उसने कहा सर ऐसे ही पड़ा कि अर्थ के ऊपर एक मैस पड़ा तो उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, लेकिन कहता है सर जब आप इसे उठाकर अगेंस्ट दी फील्ड लेके जाओगे
तो इसके अंदर क्या स्टोर होनी शुरू हो जाएगी एनर्जी। तो फील्ड नीचे है, नेगेटिव की फील्ड आपको पता है इनसाइड चार्ज की तरफ होती है, तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा। जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो जैसे मैं छोड़ूंगा नीचे आएगा, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर मैं दो चार्ज रखूँ, एक इधर रखता हूँ चार्ज पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज क्यों रख रहे हैं वो भी बताया, टेस्ट चार्ज, एक इधर रख रहा हूँ। अब मैं इसको इधर पॉइंट पे लेके आता हूँ, इस पॉइंट किधर गया, पॉइंट ए पर, ठीक है, ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, और इसे पॉइंट ए पर लेके आता हूँ, दोनों हाफ ऑफ द डिस्टेंस है। अब आपने मुझे ये चीज़ बतानी है कि कौन से चार्ज में ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इस वाले कैपेसिटर ए वाले में या कैपेसिटर बी वाले में। उसने कहा सर ए वाले में तो जब आप लेके जाओगे ना तो आपको पता है नेगेटिव बहुत ज़्यादा ताकत से खींच रहा है, और पॉजिटिव बहुत ज़्यादा धक्का दे रहे हैं, तो आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो मैंने कहा यार ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, जिसका मतलब है यहाँ पर जो पोटेंशियल है ए पर, मैं उसे कह देता हूँ कि जी वर्क ए बी ओवर पर यूनिट चार्ज। और सर उसने कहा इधर, मैंने कहा इधर भी बनेगा वर्क ए बी ओवर पर यूनिट चार्ज। उसने कहा सर देखो इधर चार्जेस तो सेम है, मैंने कहा हाँ सेम है, लेकिन उसने कहा सर इधर आपको काम ज़्यादा करना पड़ना है, डिस्टेंस सेम है, काम ज़्यादा करना पड़ना है, लेकिन इधर काम करना पड़ना है। मैंने कहा यार डिस्टेंस तो सेम है, वर्क में तो दो चीज़ें होती हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। उसने कहा सर बेशक, लेकिन फोर्स देखें ना, फोर्स इसमें एक टर्म आ रही है फोर्स, वर्क इज इक्वल टू क्या आता है एफ डॉट डी। उसने कहा सर डी दोनों जगह सेम है, कोई बात नहीं, दो इधर भी डी वही है इधर भी, यानी कि हाफ ऑफ डी इधर है हाफ ऑफ डी इधर है, लेकिन इधर फोर्स ज़्यादा लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा ताकत से उठाना पड़ना है। मैंने कहा अच्छा, तो उसने कहा सर जब ज़्यादा ताकत से उस डायरेक्शन में आप वर्क करोगे तो ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी, और इधर कम स्टोर होगी, यानी कि कम वर्क होगा तो कम एनर्जी स्टोर होगी। इसका मतलब है कि ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये चेंज बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू जो पोटेंशियल में चेंज आता है डिफरेंस में, पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो क्या बताता है इसके लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से वो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है यहाँ पर फील्ड ज़्यादा नज़र आ रही है, यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस कम बनना है, क्योंकि सर यहाँ पर और यहाँ पर पर यूनिट चार्ज पर जो वर्क है वो कम होना है। जिसका मतलब है ये जो है ये डेल वी है, डेल वी कैसे कि इस जगह मैं जीरो ले रहा हूँ, इसको पॉइंट सी सपोज किया हुआ है, ठीक है, तो इस जगह पर आपका काम होगा, या इसको हम डेल वी लिख लेते हैं कन्फ्यूजन हो। तो इधर देखो पर यूनिट चार्ज डिफरेंस और पर यूनिट, इधर ज़्यादा इधर कम, इसका मतलब है जहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर फील्ड की इंटेंसिटी शिद्दत क्या होगी ज़्यादा होगी। अब इसका हम निकालते हैं रिलेशनशिप, ठीक है, आई थिंक काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। अच्छा अब ये हमारे पास प्लेट है और इनके दरमियान में, अब मैं इस चार्ज को ऊपर लेके जा रहा हूँ ऐसे पकड़ के, मस्त चल मेरी जान ऊपर चल, तो जब ये ऊपर जा रहा है ऐसे तो आपको पता है कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। मैंने कहा वो कौन सी, उसने कहा सर आप जोर लगा रहे हो ना तो एक और फोर्स भी है जिसको अपने इक्वल करना है। मैंने कहा वो कौन सी, उसने कहा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ चार्जेस, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो, या कूलम की जो फोर्स है। मैंने कहा वो कौन सी थी, उसने कहा सर वो फोर्स थी एफ, और मैंने कहा किसके बराबर, उसने कहा सर क्यू नॉट इंटू ई। मैंने कहा अच्छा, वो फील्ड की डायरेक्शन में जो फोर्स है जो चार्ज खुद ब खुद नीचे आएगा वो वाली, जैसे कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने वर्क करना है, तो ग्रेविटी नीचे हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो तभी वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर होना है। इसका मतलब है जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो मैं इसकी अगेंस्ट दी फील्ड जो वर्क करूंगा वही एनर्जी की शक्ल में स्टोर होगा। हाँ अगर मैं ऊपर से नीचे लाऊंगा तो वो वर्क एनर्जी की शक्ल में स्टोर नहीं होगा। और यहाँ से जो हमारे पास डेल वी है वो किसके बराबर है, वो है जी वर्क ए बी इंटू क्यू नॉट, और ये पॉइंट जो है ये हम पॉइंट बी सपोज कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि बी से हम ए के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो बी से जब ए पर लेके जाएंगे तो आपको पता है पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो वर्क ए से बी ओवर क्यू नॉट आ जाएगा। उसने कहा जी सर ये वर्क आ जाएगा, उसने कहा डेल वी इज इक्वल टू होता है वर्क एफ डॉट डी ओवर क्या आ जाएगा क्यू नॉट। अब एफ डी कॉस 180, उसने कहा सर ये समझ नहीं आई, आप चार्ज को पकड़ के बेचारे को ऊपर लेके जा रहे हो, इतना गरीब चार्ज ऊपर लेके जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है लेकिन एंगल आप 180 डाल रहे हो। मैंने कहा असल में पता क्या है, असल में इधर एक टर्म है, वो टर्म थी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसने कहा सर ये कौन सी टर्म अब नई निकाल दिया आपने। मैंने कहा यार ये हमने पढ़ी थी, ये था कि चार्ज को आपने इक्विलिब्रियम में रखना है। उसने कहा सर इक्विलिब्रियम में क्यों, उसने कहा मैं देख, मैंने कहा देख चार्ज को पकड़ के लेके जा रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, जब तो एक्सेलेट करेगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, जब काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी तो वो मेरे किसी काम के तो नहीं आई, ज़्यादा बन गई, मतलब आप ज़्यादा स्पीड से ऊपर चले गए। मैंने आपको कहा था ज़्यादा टाइम नहीं दो, मैंने तो टाइम का जिक्र ही नहीं किया, तो जब आप ज़्यादा स्पीड से ऊपर गए तो आपकी एनर्जी, यानी कि जो आपने काम किया है वर्क किया वो कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वापसी पे तो उसने अपनी मर्जी से आना है।
उससे तो आना नहीं, इसका मतलब है वो एनर्जी ज़ाया हो रही है। तो एनर्जी की बचत के लिए हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, और उसके लिए क्या है कि जितनी इसके ऊपर नेट फोर्स क्या करनी है, जीरो, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जितनी फोर्स आपने ऊपर लगानी है वो उसके बराबर हो जितनी कहाँ लग रही है नीचे, और नीचे वाली फोर्स आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इसका मतलब है जो फोर्स है उसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, क्यू ई, बट चूंकि फोर्स नीचे है चार्ज ऊपर जा रहा है तो एंगल क्या हो जाएगा 180, और कॉस 180 आपको पता है क्या होता है, माइनस। अब फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स है चार्ज, अब चार्ज कौन सा है, क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी ओवर क्या आ जाएगा, क्यू नॉट, ठीक है जी। तो ये इससे कट गया तो क्या बचा, माइनस ई इंटू डी विच इज इक्वल टू डेल वी, ठीक है जी, और ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल वी ओवर डी, समझ आ गया। तो यही था वो रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से जो चेंज है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अच्छा, अगर मैं इसको बगैर खोले इसके अंदर लिखूं तो मैं इसकी इक्वेशन को कुछ यूं लिखूंगा, इसी टर्म को मैं कुछ यहां पर यूं लिखूंगा कि डेल वी इज इक्वल टू एफ डॉट डी ओवर क्यू नॉट, एफ किसके बराबर है, क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी ओवर क्यू नॉट, ये इससे कट गया तो डेल वी किसके बराबर आ गया, ई डॉट डी का ये। और वैसे ही आप जब पुट करेंगे तो देखो फील्ड नीचे है जा ऊपर रहा है, तो अब भी देखो आप एंगल क्या बना लोगे, इधर फील्ड ऊपर है डी नीचे है, तो एंगल क्या बन जाएगा, कॉस 180, तो ये वापस माइनस ई डी के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब इसके अंदर एक नई चीज जो समझने वाली है उसको देखते हैं कि ये पोटेंशियल का चेंज डिस्टेंस के लिहाज से है, लेकिन नीचे वो एक और लाइन भी आपको क्या देता है, वो नीचे वाली लाइन क्या कहता है, वो नीचे वाली लाइन आपको कहता है कि ये जो टर्म है माइनस डेल वी ओवर डेल आर, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो है ई, वो किसके बराबर है, डेल वी ओवर डेल आर। ये मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, या तो ये बढ़ जाए या ये कम हो जाए। अब आपको पता पोटेंशियल तो हर पॉइंट पर फिक्स रहना है, अगले टॉपिक में भी क्लियर हो जाएगा कि इस जगह भी फिक्स है इस जगह, तो इसका मतलब है आप डेल आर की बात कर रहे हैं, उसने कहा वो डेल आर का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आपने इसको कम से कम रखना है। मुझे बताओ कि यहां से ये लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहा है, यहां से यहां तक डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, बल्कि इसको ग्रीन से बनाता हूं, ये वाला डिस्टेंस कम है, या चार्ज को पकड़ के आप इधर लेके आए या इधर लेके आए, कौन सा डिस्टेंस कम है, पॉइंट बी से लेट्स सपोज सी वाला, डी वाला या ई वाला, सर सी वाला कम है, तो इसका ये कम है तो ये मैक्सिमम हुआ। अगर आप ई पर लेके जाओगे तो आप जब ई पर ऐसे लेके जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब है ये वाली साइड हम चूज नहीं करेंगे, हम फील्ड की लाइन चूज करेंगे, फील्ड यहाँ पर मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम वैल्यू। दूसरा ई क्या, ये माइनस क्या शो कर रहा है, यानी कि ये डेल आर, डी को मैंने रिप्लेस कर दिया डेल आर से, क्या इंडिकेट करवाने के लिए, मैक्सिमम चेंज को, मैक्सिमम वैल्यू को, डेल आर की मिनिमम वैल्यू और ई मैक्सिमम वैल्यू देगा था, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर एक चीज में चेंज है वो उसका डिस्टेंस के लिहाज से जो चेंज है वो उस जगह की फील्ड इंटेंसिटी को बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन को क्या शो करवा रहा है, ऑपोजिट। इसका मतलब है कि अगर फील्ड नीचे की तरफ कम हो रही है तो पोटेंशियल ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है जी। ये नेगेटिव शो हो गया। अब इसके नीचे एक उन्होंने यूनिट लिखे, उसने कहा कि अगर आप इस नेगेटिव साइन को लिखें तो वी डेल वी ओवर आर बनता है, V के यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट, और इसके क्या होते हैं, मीटर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के एक नए यूनिट बन गए, वोल्ट पर मीटर। बट हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट पढ़े थे न्यूटन पर कूलम, तो ये क्या, ये अगर ये दोनों बराबर है तो फिर ये दोनों भी क्या होने चाहिए, बराबर। तो मैं ज़रा चेक करते हैं, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट किसके बराबर होता है, जाउल, वोल्ट किसके बराबर होता है, जाउल पर कूलम ओवर मीटर, ठीक है जी। वोल्ट किसके बराबर होता है, जाउल पर कूलम ओवर मीटर, और जाउल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर ओवर कोलम ओवर मीटर। तो ये मीटर मीटर से कट गया तो क्या बन गया, न्यूटन मीटर। इसका मतलब है न्यूटन मीटर आल्सो इक्वल, न्यूटन पर कोलम इज आल्सो इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कोलम इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है जी। ये था आपका टॉपिक, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।